हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल माज द क्रिएटिव किंग। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए हिस्ट्री की वन लाइनर सीरीज स्टार्ट की हुई है, और इसमें मैं आपको हिस्ट्री के हर टॉपिक से 40-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइन शॉर्ट नोट्स याद कराती हूँ। और ये वन लाइनर वे होते हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं, इससे आपका क्विक रिविजन होगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। इससे पहले का हिस्ट्री का मैं टॉपिक्स आपको कवर करा चुकी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। जब पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, जब पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। इन्हीं लाइनों के साथ मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, जिसका कार्यकाल 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। सेकंड नंबर पर आता है जो कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य, विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है, ये भारत के मैक्यावली कहे जाते हैं। चाणक्य को क्या कहा जाता है? भारत का मैक्यावली। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चाणक्य की लिखी हुई एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये राजनीति व लोक प्रशासन पर लिखी हुई पुस्तक है। इसके 15 भाग, 180 उपभाग और 6000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र के 15 भाग, 180 उपभाग और 6000 श्लोक हैं। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 में इसे प्रकाशित किया था। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 में अर्थशास्त्र नामक पुस्तिका को प्रकाशित किया। सेकंड नंबर पर इसमें आती है इंडिका, जो मेगस्थनीज की लिखी हुई है। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम से संबोधित किया। उसने चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षकों का भी वर्णन किया है अपनी बुक में। बुक का नाम है इंडिका। इस बुक से मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। और ये मेगस्थनीज सेल्यूकस, जो सीरिया के शासक थे, इनके राजदूत हैं, राजदूत थे, और इन्होंने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा? मेगस्थनीज ने। नेक्स्ट है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने सबसे पहले सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। नेक्स्ट है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक टकसाल के एक अधिकारी थे, उन्होंने सबसे पहले अशोक के दिल्ली टोपरा के स्तंभ की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। सबसे पहले इन्होंने अशोक के जो अभिलेख हैं, स्तंभ, इनकी जो ब्राह्मी लिपि है उसे पढ़ने में सफलता प्राप्त की। सभी प्रमुख अभिलेख की भाषा प्राकृत है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि जो अशोक के अभिलेख हैं इनकी भाषा कौन सी है? प्राकृत। नेक्स्ट है लघु शिलालेख। लघु शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? अशोक के जीवन की जानकारी। अशोक के जीवन की जानकारी हमें लघु शिलालेख से मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो ही हरिसेन द्वारा लिखा गया है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा और इन्होंने इसमें समुद्रगुप्त व जहांगीर का वर्णन किया है। और अकबर के शासनकाल में कौसाम्बी स्थित अशोक स्तंभ को इलाहाबाद ले जाया गया, और अभी भी ये इलाहाबाद प्रयागराज में ही स्थित है। नेक्स्ट है शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एपिग्राफी। और जो कुछ ऐसे लेख पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण करवा दिए जाते थे राजाओं के द्वारा,
कभी कभी शासक या अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उन पर उत्कीर्ण करवाते थे या लिखवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें या पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें, तो इसे अभिलेख कहा जाता है। पत्थर या धातु की कठोर सतह पर अपने आदेश अन्य लोगों को पढ़ाने के लिए वे उन पर लिखवा देते थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच। सेल्यूकस निकेटर ये सिकंदर महान के राज्यपाल थे, इनके मध्य में युद्ध हुआ, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत दर्ज की और इस जीत के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अफगानिस्तान को चंद्रगुप्त मौर्य के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान सौंप दिया और इस युद्ध के बाद दोनों के मध्य एक संधि हुई। इसमें सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो संधि हुई, इसमें सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने हाथी उपहार में दिए? 500 हाथी। सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थिनीज राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगस्थिनीज को किसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? सेल्यूकस निकेटर ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है जल संसाधन के लिए। गिरनार जो गुजरात क्षेत्र में पड़ता है, के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण के कई बार क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? पुष्यगुप्त ने। और क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक का वर्णन मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, और मैं आपको बता दूं, अशोक ने भी इस झील से नहरें निकाली। जो ये झील थी सुदर्शन झील, इस झील से अशोक ने भी नहरें निकाली हैं। नेक्स्ट आता है बिंदुसार। बिंदुसार अगला शासक था। बिंदुसार को अमित्रघात, अमितचेत, सिंहसेन, जैन ग्रंथ में इन्हें सिंहसेन बताया गया है और इनके नाम है अमित्रघात, अमितचेत, बिंदुसार के नाम है। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के पास कौन से राजदूत को भेजा? डाइमेकस। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस राजदूत को भेजा। नेक्स्ट है मिस्र के शासक टालमी डिला डेल्फस। मिस्र के शासक टालमी डिला डेल्फस ने डायनसियस राजदूत को भेजा। तो दो राजदूत हैं, डाइमेकस और डायनसियस। एक सीरिया के शासक ने भेजा, सीरिया के शासक का नाम एंटियोकस प्रथम, और मिस्र के शासक ने डायनसियस को भेजा, मिस्र के शासक का नाम टालमी डिला डेल्फस। नेक्स्ट है अशोक। अशोक का कार्यकाल 268 से 231 ईसा पूर्व। इन्हें देवनामप्रिय की उपाधि मिली हुई थी। देवनामप्रिय की उपाधि किसे मिली हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अशोक को। और अशोक ने 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के, जब इनका राज्याभिषेक हुआ था, इनके 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की और इसका उल्लेख 13वें अभिलेख में मिलता है। और कलिंग उस समय उड़ीसा का नाम था, जो अब उड़ीसा है उससे पहले कलिंग के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है उपगुप्त, जो एक बौद्ध भिक्षु थे, ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नेक्स्ट है राजतरंगिणी के लेखक कल्हण। राजतरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। के अनुसार श्रीनगर की स्थापना राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के अनुसार श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अशोक के तीन पुत्र थे, तीवर, कुणाल और महेंद्र, और दो पुत्रियां संगमित्र व चारुमति। तीन पुत्र थे तीवर, कुणाल और महेंद्र, और दो पुत्रियां संगमित्र व चारुमति। और श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और संगमित्रा को भेजा। किसे भेजा? महेंद्र और संगमित्रा को भेजा। नेक्स्ट है अशोक ने
सांची, सांची के स्तूप का निर्माण कराया जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यह विश्व यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा इसे प्राप्त हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंट है, सांची के स्तूप को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा यूनेस्को द्वारा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, अशोक की धम्म नीति के प्रचार के लिए धम्म महामात अधिकारी की नियुक्ति हुई। धम्म, ये धर्म की नीति के प्रचार के लिए धम्म महामात अधिकारी की नियुक्ति हुई और इसका वर्णन पांचवें अभिलेख में मिलता है। धम्म नीति के प्रचार के लिए धम्म महामात अधिकारी का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? पांचवें अभिलेख में। नेक्स्ट है, अंतिम शासक वृद्रथ की हत्या, जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे वृद्रथ, इनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने इनकी हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत का प्रथम केंद्रीयकृत शासन था। मौर्य शासन भारत का केंद्रीयकृत शासन था, इसमें राजा को केंद्र पर माना जाता था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में अशोक के समकालीन संगम काल था। इधर तो अशोक का साम्राज्य चल रहा था और दक्षिण भारत में अशोक के समकालीन संगम काल था। इसके अंतर्गत तीन राज्य चोल, चेर व पांडे, तीन राज्य चल रहे थे, चोल, चेर व पांडे, और इनका विस्तार केरल और तमिलनाडु में था। दक्षिण भारत के जो राज्य थे तीन, चोल, चेर व पांडे, इनका विस्तार केरल और तमिलनाडु में था। नेक्स्ट है, द्वितीय व तेरहवें अभिलेख में वर्णन मिलता है। जो तीन राज्य हैं चोल, चेर व पांडे, इनका अभिलेख, इनका वर्णन तीनों राज्य, जो तीन राज्य हैं इनका वर्णन द्वितीय और तेरहवें अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है, चोल कावेरीपट्टनम में स्थित, चेर वांजी, ये केरल में स्थित था, और पांडे मदुरई, इसकी राजधानी तमिलनाडु, ये मदुरई तमिलनाडु में, इन तीनों राज्यों की राजधानी है। चोल की कावेरीपट्टनम, चेर की वांजी केरल में, और पांडे, इसकी राजधानी मदुरई तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, दक्षिण के प्राचीनतम संत व कवि त्रिवल्लुवर ने तमिल, इन्हें तमिल का चिकित्सा वैज्ञानिक कहा जाता है। दक्षिण के प्राचीनतम संत व कवि त्रिवल्लुवर को तमिल का चिकित्सा वैज्ञानिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था। मौर्य काल में जो राजकीय भूमि होती थी, जो राजा के अंडर में रहती थी, उसे सीता कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड कर रही हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताएं, और अगर आप इसमें कुछ चेंज चाहते हैं तो फ्रेंड्स मुझे प्लीज़ कमेंट्स करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बाय बाय फ्रेंड्स।